व्हाट्स अप गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं रजत पवार की वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है ये निब्बा निब्बी वायरल होने के लिए कर रहे हैं भगवान की इंसल्ट। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा गाइस, क्योंकि टाइटल इतना। लेट्स गो। भगवान ने भी ऐसे जीव जंतु बनाने बंद कर दिए थे इन कार्टूनों को बनाने के बाद, और इन लोगों की हिम्मत देखो, ये खुद भगवान बनने चले। शाबाश। पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये चम्मच बनी क्या है, फिर पता चला कृष्ण जी बने हैं महाराज। और कृष्णा का सेम तो नहीं कर पाया। थाम्बा थाम्बा, मोर पंख की जगह पे नकली फूलों के गमले लेके घूम रहा है। किसी ने आसपास माचिस जला दी ना तो पूरा का पूरा घोंसला जल के भस्म हो जाएगा। और मेरे प्यारे सिमल सेमड़ा हिंदी, खुद को खुश किस्मत समझो कि बाल विवाह करने के बावजूद किसी ने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं करी, पर अगर भगवान के नाम पर ऐसी हरकतें करोगे तो जेल जरूर जाना पड़ेगा। ये रानी चवन्नी के दिमाग में गोबर भरा था वो तो मुझे पता था, आंखों में भी घटाघट लेके घूम रही है ये। किस एंगल से तुझे मोर पंख दिख रहा है बहन वो? पर ठीक है, जिसको सिमल सेमड़ा हिंदी जैसा कुकुर मुत्ता पनीर लगे उसको कुछ भी लग सकता है। बाकी प्यार में वो इतनी अंधी है कि उसको मनीषा और सिमल सेमड़ा हिंदी का नैन मटक्का भी नहीं दिखता। देख सकते हो मनीषा प्रेग्नेंट में कितना मेहनत करती है बेचारी लड़की। प्रेग्नेंट में मेहनत कर रही है? अबे प्रेगनेंसी में मेहनत कर रही है। जितनी मेहनत अपनी एक्स को वापस लाने के लिए कर रहा है, इतनी अगर पढ़ाई में कर ली होती तो थोड़ी ग्रामर समझ आती। कोई डांट दिया जैसे मुंह फुलाए काम कर रही है, तुम्हें कोई डांटा है क्या? बर्तन धो रहा है, देख सकते इतनी। हाँ हम तो देख ही सकते हैं, एक्चुअली मोबाइल में घुस के कुछ करने वाली अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई ना। पर मेरे बिना ढक्कन के खुली मुंह की बोतल तू वहाँ खड़ा होके मुंह क्यों चला रहा है? थोड़ी हेल्प कर दे उसकी अगर इतनी दया आ रही है। या फिर वहाँ खड़ा होके मनीषा का पर्सनल रिपोर्टर बनके बस उसके क्रियाकलाप बताने आते, मनीषा ने आज ये किया, मनीषा ने आज वो किया। तो गाइस मनीषा बोल रही थी कि तो गाइस मनीषा का एक बात बतानी है। मनीषा इधर फोन चला रही है तो देख सकते हो मनीषा। तो गाइस मनीषा ऊपर में क्या देख रही है? अरे बस कर भाई, मनीषा ने तो बहुत कुछ कर लिया छोटी सी उम्र में, अभी कुछ दिन में वो बच्चा भी करने वाली है। मुझे ये बता, तूने मनीषा का चप्पू बनने के अलावा करा क्या जिंदगी में? मनीषा का दुमछल्ला बन के घूमता रहता है, बस मान क्यों नहीं लेता? वो दूसरे की बीवी है, जा चुकी है। भाई तूने क्या हाल बना लिया अपना, चल मेरे साथ, जा चुकी है मैं। तेरी बीबी नहीं रही अब वो, ना नको बिल्कुल नहीं। बॉल जैसा आज फुटबॉल बोल रहा है, कल किक मार के बॉल और गोलकीपर दोनों को घर से बाहर ना निकाल दे। वैसे मुझे तो यही समझ नहीं आता कि मनीषा इसके घर में क्यों रहती है। मतलब मनीषा का हस्बैंड बड़ा खुले विचारों का है यार, यहाँ पे एक इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से बात तक नहीं करने देता, वो अपनी बीवी को उसके एक्स हस्बैंड के घर पे रहने की इजाजत दे देता है। पर सही बात है यार, अमीर लोग भी खुश है क्योंकि खुले विचारों के हैं, गरीब आदमी भी मजे कर रहा है, बीच में मिडिल क्लास लोग ही हैं जो परेशान है। नहीं 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 नहीं, मैं सिमल को गरीब नहीं बोल रहा हूँ, सिमल तो अमीर वाली कैटेगरी में। तो गाइस हम क्या बोल रहे थे, हम आइसक्रीम खा रहे, आप लोग कभी देखे भी नहीं होंगे और कभी खाए भी नहीं होंगे, इसलिए हम खा रहे हैं। देख लो मुंह में तो पानी आ रहा होगा, अगर मुंह में पानी आ रहा होगा तो अच्छा पहुंच लो। देखो कैसे दो अमीर लोग एक गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। अब नहीं पता मुझे कैसे बनती है आइसक्रीम, कुछ किस किस चीज के मुंह की आइसक्रीम बना के खा रहे पी रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं पता आइसक्रीम का टेस्ट कैसा होता है। खट्टी लगती है क्या? नींबू डाल के खाते हैं क्या आइसक्रीम के ऊपर? शायद है। काश मैंने भी आइसक्रीम खाई होती तो मुझे भी पता होता। है YouTube फैमिली, तो देख सकते हो अभी हम लोग खा रहे हैं चॉकलेट, आप लोग खाए हो कभी? तो खाए ही नहीं होगे, हम दिखा दे, खाओ आप लोग चॉकलेट। ₹10 कभी देखे ही नहीं जिंदगी में साथ में, ₹10 की चॉकलेट खरीदने की कहां से हमारी हिम्मत होगी? सिमल सेमड़ा हिंदी जी हमेशा दुकान में रखी देखी है चॉकलेट, आज पहली बार किसी के मुंह में जाते हुए देख रहा हूँ, कैसा टेस्ट है हमें भी बता देना, क्योंकि हमने तो कभी खाई नहीं ना। अब हम क्या बराबरी करेंगे आपकी, आप कहाँ तीन तीन शादी करने वाले, दो दो बीवियों को साथ में रखने वाले। हाँ। तो मैं खा रहा हूँ बिरयानी, आप लोग कभी खाए होगे? लीजिए खा लो, छोड़ो यार नाम ही नहीं सुने होगे बिरयानी का, पहले नाम और बेरी, मतलब बेरी यानी हनी, बेर और हनी का कुछ मिश्रण लग रहा है मुझे, है मिला के खाते होंगे यार। हम तो अलग अलग ही खा लेते हैं, बाकी जब आखिरी में थोड़ा बहुत बच जाते हैं मिला जुलो के फेंक देते हैं, कुत्ते खाते हैं उसको मिला जुलो के चाट चाट के, तो उसका टेस्ट तो नहीं पता सिमल भाई, सॉरी। बोलो। बेचारी आंटी भी सोच रही होंगी ऐसा क्या पाप किया था जो औलाद के नाम पे फौलाद हाथ लगाए, बोलता कम है चीखता ज्यादा चिल्लाता ज्यादा है। आप लोग कभी खाए हो घूंगी? नहीं खाए होंगे, देख सकते हो। भाई मुझे तो लगता है आंटी इस घूंगी के साथ साथ इस घूंगी को भी तालाब के किनारे से ही उठा के लाई है, और ये घूंगी वो होती है स्नेल है, मेरे को तो आज पता लगा इसको लोग खाते भी है। बाकी बेचारी जितनी ढीली होती है कोई पकड़ने आता होगा तो भाग भी नहीं पाती होगी ऐसे सरक सरक।
बाकी सिमल सिमला हिंदी जी प्लीज मुझे कुछ और भी ऐसा दिखाइए जो हम गरीबों ने कभी देखा ही नहीं। आप ही तो एक अमीर हाथ लगे हैं हमारे। सिर्फ मेरे लोग में सिर्फ तीन तो ही छोटा है, आप बताओ तो क्या करे आप लोग। नहीं नहीं आप ही लोग बताओ। पहले तो मेरे प्यारे सिमल सेमड़ा हिंदी मोबाइल से दूर हट जा, क्योंकि बच्चे भी मोबाइल चलाते हैं, उन्हें नहीं पता ये सेमड़ा सुर एकदम से आके डरा देगा, वो डर जाएंगे। और तू आदमी है या चड्डी, इतनी जल्दी कैसे पलट गया है? अभी अमीर था अब गरीब हो गया। और अगर गरीबी हटानी है तो उसको उपाय मैं बता देता हूँ। हाथ में ये जो औजार पकड़ा ना हथियार, जिससे रोज लोगों के दिमाग पंचर कर देता है गंदी गंदी रीले डाल के, इसको बेच दे, क्योंकि फिर तू उल्टी हरकतें करेगा, हम रोस्ट करेंगे तो बोलेगा रोस्ट क्यों किया। गंदे रोस्टिंग करने वाले लोग समझ जाओ, आप खैर नहीं करेंगे तुम लोग का। बहुत गंदी गंदे रोस्टिंग करते हो आप, करके देखो। हमारे प्यारे सिमल सेमड़ा हिंदी के पास आइसक्रीम खाने का पैसा है, चॉकलेट खाने का पैसा है, बिरयानी खाने का पैसा है, और घेंगा ढूंढने जाने का टाइम भी है, पर एक रुमाल खरीदने का पैसा नहीं है और नाक पोंछने का टाइम नहीं है। सेमड़े थोड़ी साफ सफाई पे भी ध्यान दे लिया कर। बहुत गंदे गंदे रोस्टिंग करते हो ना आप, करके देखो। और अब इतना सस्पेंस बना ही दिया है कि रोस्ट करने के बाद क्या होगा, तो फिर तो रोस्ट करना पड़ेगा, पता तो लगे आखिर होना क्या है, सरप्राइज तो मिलना चाहिए ना। रोस्टिंग करने वाले लोग एक मेरी फेस दिखा है, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि हम और रानी इतना खूबसूरत जो है। खूबसूरती का तो नहीं पता मेरे भाई, पर तेरी फेस जरूर मेरे सपने में आती है। जिस उम्र में लोगों के सपनों में उनका क्रश आता है, मेरे सपनों में ये ब्रश आता है। आप लोगों को इतना पसंद है इसका रोस्ट देखना, कमेंट में भरा रखा है मुझे, तो वो बिग फैन बाद में बोलेगा, पहले बोलेगा सिमल का अगला पार्ट करवा रहा है, सिमल सेमड़े को रोस्ट करो भैया प्लीज। और मैं तो रोस्ट कर देता हूँ पर आप लोग लाइक नहीं करते, तो मैंने अपना कर्तव्य निभाया, आप भी निभाओ। बाकी मेरे को परमिशन तो खुद सिमल सेमड़ा ने दिया ना रोस्ट करने की, इसीलिए तो रोस्टिंग इतना करते हो, और करो जितना करना है करो, जाओ व्यूज भी मिल जाएगा। ले लो है व्यूज, तेरे नाम पे किसी के घर में दूध ना है, व्यूज तो बहुत दूर की बात है, दूध वाले को तेरा नाम बता दे तो वो उधारी देने से मना कर दे। और भाई इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से, और उसके बाद अगर कोई कमेंट कर दे तो बुरी भी बहुत लगती है भाई को। जो भी गलत कमेंट करेगा तो इसका मतलब वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है, होता है ना रे। कैरेक्टर बोलते बन नहीं रहा, अच्छा हुआ क्रिकेटर नहीं बोल दिया। और वो पीछे वाले से क्या पूछ रहा है, वो कौन सा पढ़ा लिखा है, तुम दोनों ही स्कूल नहीं गए हो, स्कूल जाने के टाइम पे तुम लोगों ने शादियां कर ली, और जब दुनिया एग्जाम दे रही थी तुम इंस्टाग्राम रील पे ठुमके लगा रहे थे। और कैरेक्टर की बात भी कौन कर रहा है, तीन शादियां कर चुका है, दो बीवियां साथ में रह रही है, अपनी बीवी को हर कभी प्रेग्नेंट बोल देता है दुनिया के सामने, और फिर जब व्यूज आने बंद हो जाते हैं तो मिसकैरेज हो गया ये भी बोल देता है, और खुद की बीवी खुद को कुत्ता बोल देती है। हर जगह मुंह मारना है ओ काका, बंदा है के कुत्ता। बिल्कुल सही बोला रानी बहन तुमने, हरकतों से तो मुझे भी ये कुत्ता ही लगता है। मंजन कर रहा है, मक्खियां भिनभिनाने की आवाज निकाला, ऐसे कौन मंजन करता है। ओ काका, बंदा है के कुत्ता। वो सब तो ठीक है, पर रानी को ऐसे सिमल को कुत्ता नहीं बोलना चाहिए यार, उनके पास भी दिल होता है, उनको भी बुरा लगता है बेचारे कुत्तों को कि तुम उनको सिमल से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि कुत्ता भी एक बार एक डस्टबिन में मुंह मार देता है तो दोबारा वापस वहां नहीं जाता, और तुम्हारा टोमी तो 10 जगह मुंह मार के वापस वहीं चल जाता है जहां से शुरू किया था, मनीषा के पास, और खुद की पत्नी की ऐसी चटनी बनाता है। तो ये महारानी सोई है, देखो चलो उठो, इतना देर सोती है, उठो रे। ऐसे उठा रहा है जैसे बिचारी उसका कर्जा खा के सो रही होगी, ए चलो उठो उठो मेरा कर्जा वापस करो, उठ के दो चार रील पे ठुमके लगाओ, दोनों मिलके ठुमके लगाएंगे, लोग अपनी गालियां तैयार लेके बैठे, दोनों मिल बांट के खाएंगे। और इसकी जगह पे रानी सो रही होती तो ये देखो दोस्तों नहीं सो रही गाइस, ये देखो गाइस रानी बिचारी सो रही है, थक गई है शायद। वैसे दोस्तों बोलता तो मैं भी आप लोगों से प्यार से हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कितने सारे लोगों ने नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, 3 मिलियन जल्दी करने, बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं, मेरे से सबर नहीं हो रही है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर मजा आया तो दो चार लोगों को और भेज दो, उन्हें भी हंसने का मौका दो। फिर मिलते हैं बाकी हम अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी ये चॉकलेट खिलवा दो, क्या मतलब शक्कर खाली एक ही बात है, दोनों मीठी होती है। जैसे कि गाइस ये वीडियो में बहुत मजा आ गया कि भाई ने बहुत सारा रोस्ट किया था वीडियो में, तो बहुत बहुत अभी भी हंसी आ रहा है, बहुत देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगा हम दोनों को बेचारे, तो सेमड़ा सेमड़ी खराब कर दिया गाइस इतना रोस्ट कर के, वो बंदे की हरकत ही कुछ ऐसे, तीन दिन बीवी लेके बैठा है, अभी क्या बोल सकते, कभी खाना दिखा रहा है, कभी चॉकलेट दिखा रहा है, कभी कुछ दिखा रहा है, अरे बोलते हैं कि आपने कभी खाया है कि नहीं खाया, तो हम तो खा रहे, फिर बोलता है बाद में रोस्ट कर रहे हैं मेरे को, अब ऐसी हरकत करेगा तो भाई रोस्ट करेंगे ना तेरे को। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक दिया है भाई डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे भी चेकआउट कर देना, और मिलते हैं फिर किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए।